नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की नर्मदापुरम की खबर के साथ, जहां पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया। आजादी के बाद ज्यादातर एक ही परिवार का शासन रहा, कांग्रेस ने एक ही परिवार को आगे बढ़ाया। लोकतांत्रिक सरकारों को मनमाने तरीके से गिराकर लोकतंत्र को कमजोर किया। अनेक बार तो लोकतंत्र को खतरे में डाला गया है कांग्रेस की तरफ से, और ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदापुरम में पहुंचकर जब जनता को संबोधित कर रहे थे उस वक्त कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस को लेकर कि कोई विजन नहीं है कांग्रेस पार्टी का, सिर्फ परिवार वालों को आगे बढ़ाया गया, लोकतांत्रिक सरकारों को मनमाने तरीके से गिराकर लोकतंत्र को कमजोर किया गया। पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन एक कमजोर गठबंधन है, इंडिया गठबंधन देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। ये काम क्या एक अस्थिर, कमजोर, भ्रष्ट, स्वार्थी नेताओं का इंडी गठबंधन मजबूती का काम कर सकता है क्या? देश को मजबूत बना सकता है क्या? अरे जो पार्टी खुद को मजबूत नहीं बना सकती, वो देश को क्या मजबूत बनाएगी? तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम तरीके के बयान दिए गए, विपक्षियों को लेकर आगे बढ़ेंगे और पिपरिया की बात करेंगे, जहां पीएम मोदी ने नर्मदापुरम की तारीफ की है और साथ ही अपने संबोधन में नर्मदापुरम को लेकर बड़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहां की जनता ने विधानसभा चुनाव में भी साथ दिया, उस तरह लगातार अब लोकसभा चुनाव में भी जनता का साथ चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि नर्मदापुरम ने तो कमाल ही कर दिया, यहां से उठी लहर पूरे देश में फैल चुकी है, और प्रधानमंत्री ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की भी तारीफ की। भाई और बहनों, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब मध्य प्रदेश ने पूरे देश को चौंका दिया था, और होशंगाबाद ने तो कमाल कर दिया था। यहां से जो लहर उठी थी वो लहर पूरे देश में फैल चुकी है। आज देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार मैं मोहन जी और उनकी सरकार की भी प्रशंसा करूंगा। वो ईमानदारी से यहां आपको दी हुई गारंटियां पूरा करने में जुटे हैं। तो नर्मदापुरम में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। सभा के बाद वीडी शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि पीएम की चुनावी सभा से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नर्मदापुरम के पिपरिया में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। संकल्प पत्र की तमाम बातें दोहराई हैं, कांग्रेस पर भी निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीजेपी का आज संकल्प पत्र जारी हुआ और प्रधानमंत्री की उसके बाद सबसे पहली सभा मध्य प्रदेश में, किस तरह का संदेश यहाँ से दिया गया? ये संकल्प पत्र मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है, गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन के जो 10 वर्ष रहे, ये आगामी 5 वर्ष भी इस संकल्प पत्र के माध्यम से गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन के वर्ष होंगे। आगामी 2024
47 का विकसित भारत के संकल्प का यह संकल्प पत्र है जो प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के तौर पर पूरा होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संगठन की जिम्मेदारी है इसको घर घर तक पहुंचाना है। घर घर तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया, आज से ही शुरू कर दिया हमने, आज ही लॉन्च हुआ है, आज से ही काम शुरू हो गया है। एक बात और उन्होंने कही कि मध्य प्रदेश ने 2023 को जो चुनाव जीते बंपर जीत हुई, इस बार भी रिकॉर्ड मतों से जीतना है। रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, जो प्रधानमंत्री ने कहा हर बूथ पर चुनाव जीतना। आज आपने देखा कि जनता से जो अपील की है, मध्य प्रदेश का भाजपा का संगठन इसी काम पर लगा है। प्रधानमंत्री का संकल्प हर बूथ पर 370 नए मतदाता बढ़ाकर हर बूथ को जीतना, इस टारगेट को हम पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर इस बार इतिहास बनाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ना बेरोजगारी है ना महंगाई। राहुल गांधी मजाक बन गए इस देश के अंदर, आपने देखा नहीं, ऐसे आएंगे और छू कर देंगे महंगाई, छू कर देंगे गरीबी को, मिटा देंगे ऐसे जैसे इनके मुट्ठी में है गरीबी। आप देखा ना कैसे मजाक के पात्र बन रहे देश के अंदर। तो देखिए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का साफ तौर पर यह कहना है कि मोदी जी के संकल्प पत्र को जन जन तक पहुंचाने का काम संगठन ने आज से ही शुरू कर दिया है। कैमरा मैन दीपक कुमार के साथ सैलेंसी न्यूज टीम नर्मदापुरम। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में संकल्प पत्र जारी किया गया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया है बीजेपी का संकल्प मोदी की गारंटी। घोषणा पत्र में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन, देशभर में यूसीसी लागू करने जैसे वादे किए गए हैं, मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए किए जाने और गरीबों को 3 करोड़ घर, 70 साल से भी ज्यादा के बुजुर्गों का भी आयुष्मान कार्ड बनाने का वादा किया गया। इसके साथ ही पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून बनाने, 2029 तक मुफ्त राशन योजना का वादा भी किया गया। देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है, 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सुचिता को फिर स्थापित किया। लेकिन मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने शुरू से उनके साथ अन्याय किया। कांग्रेस ने उनको अपना चुनाव बंबई का हराने का प्रयास तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया, बात के दौर में लगातार उनका कदम कदम पर उनका जीते जी अपमान किया। उनके बाद उस संविधान को जो उनने अपनी बहुत बड़ी तपस्या का फल एक तरह से दिया था, उस संविधान का कुठाराघात करने का प्रयास इंदिरा जी के समय हुआ, आपातकाल लगा करके कदम कदम पर संशोधन करते हुए कांग्रेस ने कितनी बार संशोधन किए हैं संविधान में, कि संविधान के मूल भाव को भी बदलने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। आज हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को संकल्प पत्र के सामने रखा कि हम अगर कोई संकल्प लेते हैं तो उसको लागू भी करते हैं, मेरी अपनी ओर से बधाई। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने संकल्प पत्र में हर वर्ग का ख्याल रखा है। तो इसी के साथ तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जीतू पटवारी को आप देख रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने करोड़ों लोगों को गरीब बना दिया, युवाओं को बेरोजगार बना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को बीमा, कर्ज माफी, ओला पाले की राहत राशि के लिए परेशान होना पड़ रहा है। 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया जिनको राशन दे रही है, 84% बच्चों को बेरोजगार बना दिया जो आज घरों में नशा कर रहे हैं। इस देश में, एशियन देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा महंगाई कर दी। हमारे देश का जो डॉलर और रुपए का जो अवमूल्यन हुआ है वो आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हो गया। देश में 10% लोगों के पास 90% संपत्ति पहुंच गई और 90% के पास 10% संपत्ति बची। मौलिक अधिकारों का हनन होने में देश नंबर 1 हो गया, विश्व में इसका नाम घटा है।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला पहुंचे, जहां बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान ही वहां बारिश होने लगी। बारिश के बीच ही शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को संबोधित किया। वहां मौजूद लोग पानी में भीगते हुए शिवराज के भाषण को सुन रहे थे। शिवराज ने भी लोगों को निराश नहीं किया, बारिश के बीच लाडली लक्ष्मियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। भाई राकेश पाल जी पूर्व विधायक मंडला में जैसे जैसे चुनाव तारीख नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। फग्गन सिंह कुलस्ते लोगों से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। इस दौरान अभिनेता राजा बुंदेला और मंत्री संपत्या उइके भी मौजूद रहे। बीएसपी की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है और मुरैना सीट से उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। रमेश चंद्र गर्ग को उम्मीदवार बनाया गया है। मुरैना में 7 मई को मतदान होगा और इस लिहाज से देखा जाए तो मुरैना से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ साथ कांग्रेस और अब बीएसपी ने भी लिस्ट जारी कर दी है और यहां से कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। तो मुकाबला क्या त्रिकोणीय होगा, ये देखना बेहद ही खास हो जाता है, क्योंकि अभी इंतजार करना है 7 मई को यहां पर वोट डाले जाएंगे। उसके पहले प्रचार प्रसार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। निशा बांगरे ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल हुई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द बीजेपी में भी शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है निशा बांगरे ने। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को इस्तीफा भेजा। निशा बांगरे ने कांग्रेस को जलता हुआ घर बताया है। कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया। पार्टी में महिलाओं को उचित स्थान नहीं मिलने का आरोप लगाया है। निशा बांगरे के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि ये भी बता दें आपको कि डिप्टी कलेक्टर रह चुकी हैं निशा बांगरे, और जब वो विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल हुई थी तब आमला सीट से कहा जा रहा था कि उनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन उस वक्त भी निशा बांगरे के हाथ कुछ नहीं लगा और अब ये अटकलें हैं कि वो बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सभा चुनाव से सुर्खियों में आई एक प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने राजनीति की तरफ रुख किया था, वो इस वक्त हमारे साथ है, निशा बांगरे। निशा जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये बाबा साहब और इस संविधान की जो विचारधारा है, समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, उसके लिए समाज के पढ़े लिखे लोगों को भी कार्य करना चाहिए, तो उनसे ही प्रेरणा लेकर के मैंने मध्य प्रदेश की प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च पद त्याग किया। मुझे उसमें कोई पश्चाताप नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मैंने गलत किया, ना अभी भी मेरा राजनीति से मोह भंग हुआ है। मतलब पहले शिकायत शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री से, अब शिकायत कमलनाथ से, ये मान लें? बिल्कुल, आज की डेट में तो यही हुआ। अगर कमलनाथ जी को टिकट नहीं देना था तो वो मना कर देते, मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा भी नहीं देती। इस्तीफा स्वीकार होने का कोई दुख और रंज नहीं, जो लेट स्वीकार हुआ? नहीं, उसका कोई रंज नहीं है। देखिए, उस समय भाजपा की सरकार थी, वो कोई भी सरकार हो उसकी जगह कांग्रेस भी होती तो शायद वही करती, तो उन्होंने तो अपना काम किया। लेकिन कांग्रेस को जो न्याय करना चाहिए था, बाबा साहब का उस समय उन्होंने अपमान किया, उनके साथ अन्याय किया। जब बाबा साहब ने संविधान लिखने के बाद भी चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के प्रत्याशी को खड़ा करके उनको हराने का काम उस समय किया बाबा साहब। ताओ के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात तो यह है कि हम वोटर का नाम और उसका पता भी बताएंगे, उसका संदेश भी सुनाएंगे। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत, देखते हैं वोटर बोलता है में क्या है वोटर।